यहाँ पर ये है क्लास 10th कक्षा 10वीं का ब्लूप्रिंट नया, जो कि 9 मार्च को जारी हुआ था। साथ ही में 10th एंड 12th है 10वीं 12वीं का ब्लूप्रिंट जारी किया गया था। इससे पहले 3-4 दिन पहले जारी किया गया था, जिसमें कि ब्लूप्रिंट में कुछ त्रुटियां कमियां थीं। कहने का मतलब कि उसमें जो सिलेबस रिड्यूस किया गया था उसको भी ऐड कर दिया गया था कुछ कुछ, ठीक है ना। तो उसको सबको हटा दिया गया है और ये 9 मार्च को फिर से जारी किया गया है। तो अब जो है ये लास्ट एंड फाइनल ब्लूप्रिंट है, अब आपको इसी के रिगार्डिंग तैयारी करनी है। ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र का स्वरूप है ना, ब्लूप्रिंट मतलब कार्यालय माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल वर्ष 2020-21 परीक्षा हाई स्कूल पुणसो समय 3 घंटे। तो कक्षा 10 का ये है, यहाँ पर आप देख पाएंगे। एंड यहाँ पर कक्षा 10 ब्लूप्रिंट है ये हिंदी विशिष्ट का। तो इसमें मैं एक बात समझा देता हूँ किस तरीके से यहाँ पर मार्किंग की गई है। तो इसे इकाई पर आवंटित अंक है, तो टोटल 27 है। एंड वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर आने वाला है, देख लो, दिया गया है 5 अंक का पद्य खंड से। एंड 2 अंक वाले 5 प्रश्न आएंगे, 3 अंक वाला 1 भी नहीं, 4 अंक वाले 3 आएंगे। एंड इसे बताया गया है। फिर गद्य खंड से आएगा आपका 23 नंबर का 5 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, 2 अंक वाले आएंगे प्रश्न 3 ठो और 4। देख लो कैसे मैं दिखा देता हूँ, 5 नंबर का ये हो गया, 2 अंक वाले 3 आएंगे, तो 3 6 5 11 एंड 4 3 12 22 1 23। देखो 23 नंबर पूरा हो गया ना, और टोटल प्रश्नों की संख्या 8। यानी मतलब 8 कैसे, जैसे 4 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे, तो 3 प्रश्न ये हो गए, 3 प्रश्न ये 6, ठीक ना। 2 अंक के 3 प्रश्न आएंगे, तो यहाँ पर ये टोटल 8 ही दिया है ना। तो इस तरीके से मतलब दिया गया है। बाकी कुछ मिस प्रिंटिंग इधर उधर हो सकती है कि प्रश्नों की संख्या में, यहाँ पर लिखना कुछ और था, लिख कुछ दिया होगा, तो इससे बात तो आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेन आपको यहाँ पर देख लेना है क्या, वैसे शायद बाय चांस 10 नंबर का आएगा, जिसमें कि 1 अंक 5 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, एंड 2 अंक का 1, मतलब इस तरह का आप देख लीजिए। मैं एक बार से अच्छे से दिखा दे रहा हूँ, ये विशिष्ट का है एंड क्या भाई, ये का हिंदी विशिष्ट और फिर से हिंदी विशिष्ट। अच्छा मतलब यहाँ पे कम किए पाठ्यक्रम कि विषय वस्तु को, मतलब क्या क्या कम किया गया है, पहले क्या किया गया था, आप फिर से क्या कम किया गया है, इसको आप लोग को देख लेना है। ये मतलब पद्य खंड से जैसे पाठ्यक्रम इसको ये कम कर दिया गया है, विधा बताइए ये बाकी अब क्या का आएगा यहाँ पे बताया गया है। क्या क्या बचा है, वही है हिंदी सामान्य का है, आप देख सकते हैं। हिंदी सामान्य में क्या क्या कम किया बताया गया है, एंड अब आता है आपका अंग्रेजी विशिष्ट स्पेशल इंग्लिश। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं ये सिस्टम है, एंड आगे बात करते हैं ये अंग्रेजी समान। तो इसमें बताया गया है क्या क्या, कैसे सिस्टम आएगा, सब वही सेम प्रीवियस ईयर जैसा है, बाकी इसमें से जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसको इसमें नहीं जोड़ा गया, इस ब्लूप्रिंट में बस ये फर्क उस बार जोड़ दिया गया था, सिर्फ इतना ही फर्क है बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो कम क्या किया गया, लेसन 5 दशनीज एंड लेसन 9 एट्रीब्यूट, फर्स्ट
लेसन 10 द ट्रिब्यूट सेकंड एंड लेसन 13 है अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ, लेसन 18 द टेबल टर्न्ड। इतना यहाँ पे कम किया गया है। ठीक है, टॉपिक्स यहाँ पे क्या क्या दे है, ये तो है फॉन्ट पेपर को सब लोग आप देख सकते हैं किस तरीके से है। बाकी मैं इसका यार आप PDF लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप सबको शायद पता होगा, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। जैसे टाइटल पर आप क्लिक करेंगे तो एक ब्लू कलर का लिंक खुलेगा, साइड में दिखाई देगा मतलब, ठीक ना, नीचे बॉक्स टाइप में। तो वहाँ पर आप क्लिक करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में इसको भेज दूँगा, अगर आप ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन लिंक दी रहेगी। एंड आपको ये सर्च भी कर सकते हैं mpbsc.nrc पे जाके, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपलोड हो चुका है। एंड आप टेलीग्राम चैनल सॉरी टेलीग्राम ऐप का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर सर्च कीजिए बिनेसा यूट्यूब, तो आप ज्वाइन हो जाइए, ज्वाइन ऑप्शन आ जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। इसको मैं वहाँ पर भेज दिया हूँ ऑलरेडी। ठीक है, बाय बाय यार, 256 पेज का है।